हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्टेन केमिस्ट्री। हमने स्टेन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने स्टेनिंग का मेन जो हमारा बेसिक मेथड है, दैट इज़ हेमाटोलॉजी, हेमाटॉक्सिलिन एंड न्यूसेंस स्टेनिंग, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और PTAH हमारे सिलेबस में। बट उससे पहले और उसके बाद कह सकते हैं हम स्टेन केमिस्ट्री अब डिस्कस करेंगे कि हम डाइज और केमिस्ट्री, डाइज और टिश्यू का क्या बाइंडिंग होती है और वो कैसे उसको कलर प्रोवाइड करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टार्ट विद द केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में क्या है? द केमिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सर्टेन पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल टिश्यूज आर एसिडिक इन नेचर, वेयर एज द अदर पार्ट ऑफ द टिश्यू इज साइटो दैट इज बेसिक इन नेचर। द कलरिंग मैटर इन बेसिक डाइज कंटेन इन द बेसिक पार्ट ऑफ द कंपाउंड विद एसिडिक रेडिकल। मतलब इसमें बताया हुआ है कि हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू का बेसिक कंपोनेंट भी होता है, जैसे कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिक कंपोनेंट है हमारे सेल का, और जो एसिडिक कंपोनेंट है बिकॉज ऑफ DNA, बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंस, तो वो होता है एसिडिक। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम सिलेक्शन करते हैं अपनी डाई की, ताकि वो बेसिक और एसिडिक कंपोनेंट। तो अब है कि हम बेसिक स्टेन क्यों यूज करते हैं एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करने के लिए, और बेसिक डाई क्यों यूज करते हैं बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है इम्प्रेग्नेशन। ऑल्सो द टर्म इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कलरिंग टिश्यू स्ट्रक्चर। देर आर सम सेल एंड टिश्यू कॉम्पोनेंट दैट कैन डेमोन्स्ट्रेटेड नॉट बाय स्टेनिंग बट बाय अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग नोन एज इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन का मतलब क्या है? देखो, नॉर्मली तो हम क्या यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं अपने टिश्यू को स्टेन करने के लिए, अपने सेल को स्टेन करने के लिए, या उसके बेसिक कॉम्पोनेंट्स को कलर प्रोवाइड करने के लिए। बट sometimes we have to use heavy salts to visualize those specific element which we have to see. So uske liye impregnation ek aisa method hai, you can see here, impregnation containing coating known as impregnation, you unlike staining make use of the salts of heavy metal which are precipitated selectively on the cellular and tissue component. Dekho, jaise staining mein kya hota hai, hamare tissue ka specific affinity hoti hai. Jaise agar main example lu acidic component ki, basic ke liye acidic dye ki basic कंपोनेंट के लिए एफिनिटी अच्छी होती है। लाइक दिस, हमारे हैवी सॉल्ट्स की स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ अच्छी बाइंडिंग होती है, तो उसके साथ जाके बाइंड करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा ये स्पेसिफिक एलिमेंट कहां पे लोकेट करता है। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ इम्प्रेग्नेशन। This technique has its own greatest application in the tissue form the central nervous system and for the demonstration of reticulum. मतलब अगर हमें reticulum की demonstration करनी है या nervous tissue को discuss करना है तो हम वहां पे use करते हैं। और silver nitrate is the most commonly used compound for the impregnation. और अगर हमें impregnation method use करना है तो silver nitrate best salt माना जाता है for this purposes. Next है कि chemistry of color in dye stuffs. अब color कैसे provide होता है stains में? The chemical basis for color in dye stuff is made up of the certain atomic unit known as chromophores. मतलब हमारे जो color, dye को color provide करता है, वो होते हैं certain atomic unit that are chromophores. When a chromophore is added to an uncolored molecule, that means हमारे पास एक uncolored molecule है जिसमें color नहीं है, ठीक है, हमने उसमें chromophore add करा, it becomes a chromogen, that means which can provide color and it is not a dye. It becomes a chromogen which though colored is not a dye, and to become a dye the chromogen must consist of an organic compound with a chromophore in its structure and an ionizing radical oxochrome. मतलब हमारे पास एक कलरलेस कंपाउंड है, हम उसमें ऐड करते हैं क्रोमोफोर, क्रोमोफोर ऐड करने पर वो हमारा कंपाउंड बन जाता है क्रोमोजन, बट स्टिल इट्स नॉट अ डाई। टू मेक इट डाई वी हैव टू एड अ मोर रेडिकल, आयोनाइजिंग रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सोक्रोम। जब हम ऑक्सोक्रोम को एड करते हैं तो वो हमारा एक डाई की तरह एड करता है। सो डिफरेंस बिटवीन अ क्रोमोजोम एंड अ डाई इज दैट कलर ऑफ अ क्रोमोजोम इज इजिली रिमूव। क्रोमोजन के कलर को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, बट जब हम उसमें ऑक्सोक्रोम यूज कर लेते हैं तो वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड द मेन ऑक्सोक्रोम आर द नेगेटिव OH एंड नेगेटिव NH2 ग्रुप्स। दे हेल्प टू इम्पार्ट द डाई कलर टू द टिश्यू। मतलब ये हेल्प करता है टिश्यू को अच्छी तरह से कलर प्रोवाइड करने के लिए। हम क्रोमोजन भी यूज कर सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड कलर, बट उसका कलर बहुत इजीली रिमूव हो सकता है, इसलिए हम उसमें ऑक्सोक्रोम करते हैं ताकि वो कलर जो है अच्छी तरह से बाइंडेड रहे उसमें। सल्फरिक ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी हम फंक्शन यूज कर सकते हैं एज अ ऑक्सोक्रोम, बट बेसिकली हम OH एंड NH2 ही यूज करते हैं। द थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ क्रोमोफोर आर द क्वानिटाइड रिंग, एजोकॉपलिंग एंड नाइट्रो ग्रुप। हम ये तीनों यूज करते हैं एज अ ऑक्सोक्रोम।
अब नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस अकॉर्डिंग टू द वेरियस सेवरल वेज हमारी जो डाइस है वो क्लासिफाई होती है, उसको नेचुरल और सिंथेटिक में भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन, जो वो रिएक्शन कर रही हैं या उनके टिश्यू के साथ अफिनिटी कैसी है. तो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले हम नेचुरल और सिंथेटिक वे से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज नेचुरल डाई जो कि हमारी हेमाटॉक्सलिन है, जो कि हमें हेमाटॉक्सलिन कैम्पेशियन नाम के हार्डवुड से मिलती है. इसको हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमारे पास हीमेटिन आती है. प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म फ्रॉम द लॉक्स विच इज नोन एज द हेमाटॉक्सिलिन हैज टू बी ऑक्सीडाइज. हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, हिमैटिन में कन्वर्ट करते हैं जो कि बिकम होती है एक डाइस्टर्प में. ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हेमाटॉक्सिलिन लूजेस टू हाइड्रोजन एटम एंड टेक्स इन क्वानाइड अरेंजमेंट ऑन इट्स रिंग. तो जब वो क्वानाइड रिंग ले लेती है तो उसके बाद वो डाइस्टर्प का काम करती है. ऑक्सीडेंट्स हम कौन से यूज करते हैं, मर्करिक ऑक्साइड, सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड, पोटेशियम पर मैग्नेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. अगर हम उसका एक्सपोजर करवाएंगे एयर के साथ 3-4 मंथ्स के लिए तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडेंट. पर अगर हमें अगर बहुत ज्यादा जल्दी रैपिडली इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है तो हम इन सिंथेटिक वर्जन को भी यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इज वॉट इज मॉडेंट. This is all about it guys. Thank you so much. If you're having any query, you can ask.